हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एमसीसी ईस्टर वैकेंसी राउंड आज जो है एम्स का कंडक्ट कराया जाना है। ईस्टर वैकेंसी राउंड एम्स का फर्स्ट राउंड जो ईस्टर वैकेंसी का हुआ था उसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे, तो आज जो है 14 जनवरी को सेकंड ईस्टर वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा एम्स का। बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि एम्स ने ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज कर दी गई। जी हाँ फ्रेंड्स, 115 नंबर वाले छात्र को भी जो है एम्स जैसे टॉप कॉलेज में मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑफिशियल लिस्ट रिलीज कर दी गई है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, साथ ही यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ भी बता दी गई है कि कितने से कितने रैंक तक के कैंडिडेट जो है कौन सी कैटेगरी के एलिजिबल इसमें दिए गए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब देखिएगा फ्रेंड्स, बात ही आती है, कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपके लिए जिसमें फ्रेंड्स मैंने ये बताया था कि 119 सीट आपकी थी और 119 सीटें ही वैकेंट रह गई हैं। जब आपका फर्स्ट राउंड कंडक्ट कराया गया था शायद 12 जनवरी को, तो कोई भी स्टूडेंट्स उनको नहीं मिल पाया था। तो मुझसे कई छात्र कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप ये गलत बता रहे हैं, हम गए थे। देखिएगा, फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप गए थे, क्या आपका नाम एलिजिबल लिस्ट में है? तो उन्होंने कहा नहीं है। देखिएगा भाई, मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स एम्स ने जो है 1190 कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज की थी एलिजिबल कैंडिडेट की, उनमें से अगर कोई कैंडिडेट जाता है तो ही उसको एडमिशन दिया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको लिस्ट में नाम ही नहीं है, आप चले जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको सीट दे दिया जाए, ठीक है? तो कई छात्र ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, तो भाई आप ये सोच कर चलिएगा कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको कैसे वहाँ सीट दे दी जाए। आपसे पहले ये दावेदार हैं जिनकी 1190 कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज की गई थी, आपसे पहले ये दावेदार हैं सीट के लिए, ठीक है? तो चलिएगा, हम सबसे पहले लिस्ट को देखते हैं, उसके बाद इसको कट ऑफ जो रिलीज की गई है उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा अनअकैडमी ने आपके लिए 2021 की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, तो अनअकैडमी ने आपके लिए जो है प्रारंभ स्पेशल क्लास सीरीज स्टार्ट की है, जो कि फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं जो कि 7 डेज की 7 दिन की क्लासेस है। ये 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 17 जनवरी तक ये लास्ट है, ठीक है? 11 से 17 जनवरी तक ये चलने वाली है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडिया के टॉप फैकल्टीज आप यहाँ देख सकते हैं पढ़ाने वाली हैं विद एक्सपर्ट्स, नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको क्या करना है, हमारा रेफरल कोड करना है TCH10, ठीक है? TCH10 हमारा रेफरल कोड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने आपके लिए जो है एक केमिस्ट्री MCQ मानिए यहां पर प्रैक्टिस प्रिपेयर करने के लिए नीट 2021 का यहाँ पर स्टार्ट किया है, स्पेशल क्लास स्टार्ट की है जो कि रवि प्रकाश सर यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। ये प्रत्येक दिन शाम 4 बजे आने वाली है, 14 जनवरी से यानी आज से स्टार्ट हो रही है और ये 18 जनवरी तक आने वाली है, ठीक है? डेली शाम 4 बजे आपको क्या करना है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, हमारे रेफरल कोड TCH10 डाल करके आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है अनअकैडमी ने, फिलहाल 4 काउंट टू नीट 2021 यहां पर जो है ये डेली 17 जनवरी को ये जो है दोपहर 2 बजे ये जो है इसको आप ज्वाइन कीजिएगा टेस्ट सीरीज को, और आप देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं नीट 2021 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ हमारी कितनी तैयारी है कितनी तैयारी नहीं है। एकदम ये फ्री है, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना है, हमारा रेफरल कोड डालना है आपको, ये दिया है TCH10, मैंने इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आप नीट 2021 की प्रिपरेशन या किसी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एलिजिबल लिस्ट छात्रों की ओपन कर ली है और यहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर ईस्टर वैकेंसी राउंड फॉर MBBS फॉर ऑल्स, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, ये लिस्ट जो है कल रात के शाम के टाइम रिलीज की गई थी 13 जनवरी को, और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आज 14 जनवरी है, आज ईस्टर वैकेंसी राउंड कंडक्ट होना है सेकेंड। तो यहाँ से देखिएगा छात्रों के एप्लीकेशन नंबर, नेम, रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक क्या है, किस कैटेगरी के हैं और PWD है या नहीं वो यहाँ पर दिया है। इसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वेबसाइट की लिंक, वहाँ से क्लिक करके आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से जो स्टार्ट की गई रैंक वो 1050 से छात्र की रैंक स्टार्ट की गई है, और सबसे लास्ट पेज पर हम चलते हैं, 47 पेज का PDF है, आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और यहाँ से आप देखिएगा 8,05,059 ऑल इंडिया रैंक वाले कैंडिडेट को यहाँ पर जो है मौका दिया गया है, वो भी BC का कैंडिडेट है। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर हम इसको 8 लाख को कर इसको पूरा कैलकुलेशन करें तो लमसम 115-116 मार्क्स के लमसम इसका बनेगा जाकर के, ठीक है? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 115-116 मार्क्स वाले कैंडिडेट को यहाँ पर जो है एम्स ने मौका दिया है, जो कि फ्रेंड्स आप यहाँ से देख पा रहे हैं। अब देखिएगा फ्रेंड, जो ऑफिशियल ये तो लिस्ट रही आपकी, इसको आप डाउनलोड कर सकेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन कल रात शाम के टाइम रिलीज किया गया था एम्स द्वारा 13 जनवरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली, नोटिस फॉर ईस्टर वैकेंसी राउंड MBBS 2020 सीजन। यहां से देख सकते हैं सब्जेक्ट ईस्टर वैकेंसी राउंड ऑफ एडमिशन टू MBBS फॉर ऑल एम्स फॉर 2020 सीजन टू बी हेल्ड ऑन 14 जनवरी 2021 एट एम्स न्यू दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, यहां बोला गया है कि आपका जो ईस्टर वैकेंसी राउंड का एडमिशन प्रोसेस है वो 14 जनवरी को न्यू दिल्ली एम्स में कंडक्ट कराया जाना है। इसी के साथ यहां पर बोला गया है कि द बिलो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड ऑन द एम्स पोर्टल आर टू बी रिपोर्ट टू द कम्युनिटी हॉल एम्स न्यू दिल्ली 14 जनवरी 2021 इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज डिटेल्ड बिलो। तो देखिए फ्रेंड, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जो कि मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आज आप 14 जनवरी को कम्युनिटी हॉल एम्स न्यू दिल्ली में जाकर के आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो एडमिशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करा लीजिएगा। अब यहां से देखिएगा इस लिस्ट में जो नाम दिया है, जो अभी मैंने लिस्ट बताई थी, अगर जर्नल के कैंडिडेट हैं, अगर आपका 1050 से लेकर 30388 रैंक आपका बढ़ रहा है तो आप सुबह 9 बजे, ठीक है, आप जाइएगा, आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होना है। उसके बाद जर्नल के कैंडिडेट 30485 से 78539 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप 12 बजे दोपहर के जाइएगा आपको वहाँ एम्स न्यू दिल्ली अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात कीजिए तो 15118 से 23266 सुबह 9 बजे जाना है। ईडब्ल्यूएस वाले दो दो शिफ्ट में कराए, हर कैटेगरी को दो शिफ्ट दिया गया है, 23374 से 35946 12 बजे आपको जाना होगा। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो 10685 से 23268 सुबह 9 बजे, ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए 23280 से 50509 12 बजे, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 68376 से 177851 सुबह 9 बजे आपको जाना होगा। एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो 85892 से 3141021 से 21 तक 9 बजे जाना होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात की जाए तो 15550 से लेकर के 8,03,022 तक के कैंडिडेट को जाना है सुबह 9 बजे। अगर फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, ये जो कैंडिडेट का नाम है दिया गया है 8,00,000, ठीक है, 3,022, अगर इस कैंडिडेट का आप कैलकुलेशन करते हैं, आपको पता होगा आपने एग्जाम दिया है, इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका लमसम 115-116 मार्क्स के लमसम इस कैंडिडेट का मार्क्स बनेगा जाकर के, अगर हम इस ऑल इंडिया रैंक, ये ऑल इंडिया रैंक ध्यान रखिएगा, ये ऑल इंडिया रैंक है, अगर हम इस ऑल इंडिया रैंक को कैलकुलेशन करते हैं तो 115-116 के लमसम आपका, तो तब आपका मार्क्स ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर और देखिएगा आगे क्या बोला गया है, तो अच्छी खुशखबरी है। देखिएगा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मुझसे कई छात्र कमेंट्स कर रहे थे सर हमारे इतने मार्क्स हैं हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो देखिए जो कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं लिस्ट के लिए, अगर आज ये कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाते हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए, जिस तरह से फर्स्ट राउंड को 12 जनवरी को नहीं पहुंच पाते, 11 को हुआ था, 12 को मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी हुआ 11-12 को छात्र एक भी नहीं पहुंच पाए एलिजिबल कैंडिडेट, अगर आज भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए तो ये दूसरी लिस्ट रिलीज की जाएगी, जो कि मार्क्स को कम करके छात्रों की लिस्ट को रिलीज यहां पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहां पर बोला गया है नोट में कि बोला गया है नोट में दिया है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन स्क्रीन्ड एट एम्स न्यू दिल्ली ऑन 12 जनवरी 2021 आर इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट मे रिपोर्ट डायरेक्टली टू जवाहरलाल ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली एट 12 नून। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सभी कैंडिडेट जो 12 जनवरी को अपनी एम्स में जाकर स्क्रीनिंग करा चुके हैं वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहां पर इंक्लूड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली जवाहरलाल ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली जाकर के 12 बजे सभी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों। दूसरी बात यहां पर ये बताई गई कि इफ एनी सीट रिमेन वैकेंट टू 14 जनवरी, इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड ऑन एम्स वेबसाइट, एम्स वेबसाइट ये दिए है www.aimsexams.org एंड रिमेनिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर टू बी रिपोर्ट 15 जनवरी 2021 9 AM एट कम्युनिटी हॉल एम्स न्यू दिल्ली। तो देखिएगा यहां पर बोला गया है कि 14 जनवरी को जितनी भी रिमेन वैकेंट सीट है उन सभी छात्रों को जो है 14 जनवरी को, यानी आज जिस तरह से ये टाइम शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल के हिसाब से और अपनी रैंक के हिसाब से आप सभी छात्र आ जाइएगा। उसके बाद अगर ये सीट नहीं भर पाती हैं, अगर सीट फिर से रिमेनिंग बची आती है, तो रिमेनिंग कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे वो 15 जनवरी को सुबह 9 बजे कम्युनिटी हॉल एम्स न्यू दिल्ली में जाकर रिपोर्ट कीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये है ये ऑफिशियल अपडेट, और यहाँ से सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रेंड्स 115-116 मार्क्स वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। इस नोटिस को भी डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और जो भी क्वेरी आपकी हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कई छात्र ये असमंजस में रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें,
ठीक है, और इसलिए मैं आपके लिए सुबह ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे सभी स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मिल चुके और जल्दी से जल्दी जाकर के अपना पार्टिसिपेट कर सकें, एडमिशन ले सकें, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिएगा, मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिला है, टेलीग्राम के लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाने के बाद वहाँ पर आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ज्वाइन मिलेगा, ज्वाइन का बटन ज्वाइन कीजिएगा, राइट हैंड साइड में सबसे नीचे आपको डिस्कस का ऑप्शन मिलेगा, डिस्कस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप जो ग्रुप है टेलीग्राम पर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ऐड हैं उसमें सभी से आप ग्रुप चैट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो उसमें टेलीग्राम पर जाकर ये जरूर लिख दीजिएगा कि सर हम आपसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं, मैं आपको फिर बाद में मैसेज कर दूंगा देख करके, ठीक है। इसलिए आप इसको अगर मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो जरूर लिख दीजिएगा।